इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजाज के एक्सलॉन सॉफ्टवेयर में अगर किसी भी कारणवश आपने जॉब कार्ड को डिलीवर्ट कर दिया, लेकिन उसमें किसी भी तरह का चेंजेस करना है, जैसे कोई पार्ट्स ऐसा जो आपने बाय मिस्टेक उसमें ऐड कर दिया है, या फिर कुछ ऐसी रीजन जो कि आपने कोई पार्ट्स आपने ऐड करना था लेकिन आपने ऐड नहीं किया, कोई लेबर चार्ज आपको ऐड करना था आपने ऐड नहीं किया, या फिर किसी भी तरह के चेंजेस आपको उस जॉब कार्ड में करने हैं, तो उसको करने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एक्सलॉन सॉफ्टवेयर को लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, सर्विस के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप वर्कशॉप में चले जाएंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एक सेक्शन है जॉब कार्ड का, आप जॉब कार्ड में चले जाएं। उसके बाद यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे, सारा जो आपका ओपन जॉब कार्ड है ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पार्टिकुलर एक जॉब कार्ड जो आपने डिलीवर्ड कर दिया है लेकिन उसको रीओपन करवाना है, तो सबसे पहले आप ऑल जॉब कार्ड कर लेंगे। ऑल जॉब कार्ड करने के बाद सपोज दैट कि ये डिलीवर्ड जॉब कार्ड, ये आप देख पा रहे हैं कस्टमर है रुपेश कुमार, इस जॉब कार्ड को हमें रीओपन करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे है एक सेक्शन जॉब कार्ड नेम। आप क्या करेंगे इसके, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे एक फाइल नेम है इसका RJC13343202400052। आप इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लें या फिर आप कहीं पे इसे नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद आप क्या करें, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे www.cardealer.com। ठीक है, आप ये वेबसाइट देख लें, ये वेबसाइट आप टाइप करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्लीज इंटर योर लॉग इन डिटेल्स। ये बार डीलर का आईडी जो होता है आपके पास, अगर आप मेन डीलर हैं तो आपके पास एक होगा सेल, एक होगा सर्विस और एक होगा एडमिन। तो आपको करना क्या है, अपनी सर्विस की आईडी को यहाँ पे डालना है और उसका जो भी पासवर्ड होगा वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद आप गो के सेक्शन पे चेक कर लेंगे। जैसे ही ये मेल आपका ओपन हो जाएगा आपको एक न्यू मेल यहाँ से, आप यहाँ पे देखें न्यू का सेक्शन है, आप यहाँ से एक न्यू मेल ओपन करेंगे और यहाँ पे बजाज हेल्प डेस्क का जो भी मेल होगा सपोर्ट मेल, वो मेल आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो मेल आप यहाँ पे डालें। सब्जेक्ट में डालेंगे रीओपन जॉब कार्ड और यहाँ पे उस जॉब कार्ड का RJC और जो भी आपका कंसर्न है वो यहाँ पे डाल करके मेल कर देंगे एक्सलॉन सपोर्ट को। फिर कुछ ही समय में एक्सलॉन क्या करेगा, वो जॉब कार्ड आपका रीओपन कर देगा। रीओपन जैसे ही वो जॉब कार्ड आपका हो जाता है, जॉब कार्ड वापस आपको इसी तरह जैसे आपको यहाँ पे अभी ओपन शो कर रहा है स्टेटस, वैसे ही आपको फिर से वही जॉब कार्ड यहाँ पे ओपन शो करेगा। उसके बाद आप उस जॉब कार्ड में किसी भी तरह के चेंजेस को कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।